नमस्कार दोस्तों, स्मॉल बिजनेस आइडियाज चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बिजनेस तो ये कभी बिजनेस रुकने वाला है और ना ही बिजनेस ये कभी बंद होगा, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस की वजह से लाखों करोड़ों गृहिणियों का घर चलता है और इस बिजनेस की वजह से लोगों को भी काफी सारा मुनाफा होता है। इस बिजनेस की वजह से कई लोगों को बेनिफिट होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, किसान को भी बेनिफिट होता है, आम लोगों को भी बेनिफिट होता है और जो ये बिजनेस स्टार्ट करता है उसको तो ये बहुत ही बेनिफिट करता है। तो आज कुछ डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जो ऑयल मेकिंग बिजनेस है या तेल निकालने का जो व्यापार है किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स है उसके, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होता है, कहाँ पर ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट मिलता है और कितना नुकसान होता है, वो सारी की सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों जो तेल निकालने का बिजनेस होता है दोस्तों, वो एक ऐसा प्रकार का बिजनेस होता है कि जो बिजनेस कभी बंद नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस दम न बंद होने की वजह दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत विश्व मात्र ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स पाए जाते हैं और उसकी वजह से जो मस्टर्ड ऑयल से यानी कि जो सरसों का तेल है या फिर कई सारे ऐसे तेल है जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा पैमाने पे करते हैं और के अंदर भी इसका यूज होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि कई प्रकार के तेल का हम यूज करते हैं अपने खाने के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताऊं सरसों है, सूरजमुखी है, कपास है, मूंगफली है, तो ऐसे कई प्रकार के जो सीड्स आते हैं उसके तेल लोग ज्यादातर यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताऊं उत्तर भारत के अंदर सरसों का यूज बहुत ज्यादा है, गुजरात के अंदर मैं बात करूं तो मूंगफली और कपास का बहुत ज्यादा है, वैसे ही पंजाब हरियाणा ऐसे कई सारे ऐसे स्टेट है जहां पर जो ये तेल की ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। तो इसके लिए दोस्तों ये होता है कि आपको जो आप स्क्रीन पे जो मशीन देख रहे हो आप वो भी मशीन लगा सकते हैं, छोटे पैमाने पर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ही आपको स्टार्ट करना हो या फिर बहुत बड़ी कंपनी या फिर मिल स्टार्ट करने के बाद ही आप ये कर सकते हो। अभी तो दोस्तों ऐसी मशीनरी आ गई है जिसकी वजह से आप घर पे भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, घर से भी जो भी ऑयल है उसको पीस के उसके अंदर से जो तेल है ऑयल रिफाइन करके भी आप उसका यूजेस कर सकते हो। मैं इसके टाइप्स आपको बताऊं तो दोस्तों कच्ची घनी है, फिल्टर डबल से सरसों के तेल की मार्केट अभी बहुत डिमांड करते हैं, यानी कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत के कई सारे जगहों पर ये तेल की इतनी डिमांड है कि लोग जो प्राइस है वो काफी आगे ही आगे बढ़ते जाते। दोस्तों इसकी बिजनेस की मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताऊं कि जो ऑयल मस्टर्ड ऑयल है उसको एक्सट्रैक्शन करने के बिजनेस के अंदर आपको बहुत सारे अमाउंट के अंदर पैसा या फिर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप आसानी से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि इस बिजनेस की मशीन की प्राइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको मशीन खरीदना है और कितने अमाउंट के अंदर वो पर आवर के अंदर कितना तेल रिफाइन करके आपको देता है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुख्य रूप से दोस्तों इसके अंदर कॉमनली जो मशीनरी आती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर दूं आपको, तेल निकालने की मशीन, पंप और फिल्टर के कपड़े के साथ प्रेस, तेल को एकत्रित करने के लिए जो टैंक आता है उसके चाहिए हमको, जो इलेक्ट्रॉनिक वेनिंग स्केल चाहिए जिसकी वजह से हम तोलने की जो भी तेल बाहर निकलता है उसकी हम जांच कर सके किस प्रकार से कितने अमाउंट के अंदर तेल वहां से निकलवा रहा है, टूल्स चाहिए जो भी पंपिंग के लिए चाहिए होता है। जहां तक बेनिफिट की दोस्तों मैं बात करूं तो बेनिफिट के अंदर मैं आपको बताऊं कि जहां से हम जो सीड्स परचेस करते हैं तो सीड्स हमें ऐसी जगह से परचेस करने चाहिए कि जिसकी वजह से लो अमाउंट के अंदर आपको सीड मिले और ज्यादा अमाउंट के अंदर आप उसको बेच सके। यानी कि मैं आपको बताऊं कि 20 से 35 रुपीज के आसपास जो सीड्स आते हैं, कई सारे सीड्स है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ एक ही सीड्स को आप मगर ध्यान में रख लो और उसी हिसाब से स्टार्ट करो। सीड्स है जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि मस्टर्ड ऑयल है या फिर मूंगफली है, सरसों है, तो कई सारे ऐसे टाइप्स है, तो कई सारे ऑयल्स आप इससे इस मशीन की वजह से आप निकाल सकते हैं और अच्छी खासी दाम पे आप बेच सकते हैं। रही बात दोस्तों पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग इतना अट्रैक्टिव करना चाहेगी जिसकी वजह से अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हो या अपना ही प्रोडक्ट बना के आप बेचना चाहते हो तो उसकी वजह से आपकी कमाई ज्यादा हो, इसलिए आपको उसके अंदर दिखावा का जमाना है। यानी जो जिस प्रकार से आप अच्छी तरीके से इसको डेवलप करोगे या जिस प्रकार से आपने अच्छी तरीके से इसको सेल आउट किया या फिर इसको अट्रैक्टिव लुक दिया है तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सेलिंग होने में कोई दिक्कत नहीं आती और आसानी से आपका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। और मार्केट भी दोस्तों ऐसा चूज करना चाहिए कि जिसकी वजह से आप दूसरों से अलग लगे और दूसरों से अलग लगने
की वजह से आपका प्रोडक्ट तुरंत बिक जाए। जैसे कि कई जगहों पर मैंने देखा है कि कई स्कीम ऐसे निकालते जाते कि एक बड़े पैक के साथ छोटा पैक फ्री। जगह पर दोस्तों मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत में से तेल निकाल के सभी राज्यों में पहुंचाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो तेल की ब्रॉडकास्टिंग है वो सभी जगहों पर पहुंचाई जाती है और उसके अंदर प्राइस में भी डिफरेंस आता है, बट क्वालिटी मेन महत्व की चीज होती है। क्योंकि आजकल ये क्या चल रहा है कि सभी जगह पर मिलावट का दौर आ गया है और मिलावट के दौर की वजह से सभी ऑयल्स के अंदर मिलावट हो रही है। इसलिए आपको मैं ही ऐसा चीज सुन दूंगा कि जब कभी भी आप इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद किसी भी चीज की मिलावट मत कीजिए, क्योंकि मिलावट करने की वजह से आपकी प्रोडक्ट खराब होगी और आपकी प्रोडक्ट खराब होने की वजह से लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो आपको यही ध्यान में रखना है, क्वालिटी और क्वांटिटी आपको बढ़िया तरीके से निकालनी होगी, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी तरीके से होगी तभी ग्राहक आपके जो भी प्रोडक्ट है उसको परचेस तुरंत करेंगे। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी खराब होगी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में से तुरंत चला जाएगा। कोई भी बिजनेस दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमको उसका जो भी बिजनेस का पूरा प्लान समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से स्टार्ट करना है, कहां पर स्टार्ट करना है, कितने अमाउंट के अंदर स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उन लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती और बिजनेस स्टार्ट कर देते फिर उनको ही लॉस होता है। कई सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो देख रखे हैं कि बताएगी 5,000 कमाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, ये बिजनेस करोगे तो उतना बेनिफिट होगा। पर दोस्तों पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप इस सारी चीजों को फुलफिल कर सकते हैं तभी ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वरना आपको ही लॉस होगा। तो दोस्तों जहां तक मैं मशीन परचेस की बात करूं तो आप मशीन यहां पर देख सकते हैं, इंडियन मार्ट से भी खरीद सकते हैं, बट खास ध्यान रख लीजिए कि किस प्रकार से मशीनरी की आपको रिक्वायरमेंट है और आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मशीन परचेस कीजिए। आप अगर आप छोटे पैमाने पर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मशीन परचेस कीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कई सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है, पर हॉर्स पावर्स पर भी डिपेंड करता है, कितने पर आवर पर वो मशीन से जो भी ऑयल है वो पीस के निकलता है। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद ही आपको ये सारी चीजें परचेस करनी होती है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए स्मॉल बिजनेस आइडियाज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।